अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं 12 साल की बच्ची का फ्रॉक, जिसकी हमें रिक्वेस्ट आई थी कि हमने स्टफ लिया है 3 मीटर। इसमें हम पेटी काटेंगे। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। ये हमने कमीज को ऊपर रखा है। कमीज को ऊपर रखते हुए आप 2 इंच के फासले से कटिंग करेंगे। ये पेटी की कटिंग कर रहे हैं हम। जी, ये फ्रॉक की पेटी है, देखें बैक साइड और फ्रंट साइड। ये फ्रॉक के घेर की कटिंग है। जितना हमारे पास कपड़ा चौड़ाई में था, हमने सारा कर उसमें रखा है। ये फ्रॉक के स्लीव्स की कटिंग है। ये हमारी पेटी है, इस पे 2 हमने छोटे छोटे पैच लगाए हैं। इन पैच को मैं आपको मोड़ना दिखा रही हूँ। ये देखें, ये हमने अपनी पेटी के मुताबिक लंबाई में पैच काटा है। इसको मैं अब आपको फोल्ड करने का तरीका दिखा रही हूँ। इस तरफ से ऐसे मोड़ते हुए, फिर आप इसको इस तरह से, इसकी जो किनारे हैं वो अंदर की तरफ कर देने हैं, सिलाई से ये बाहर ना दिखे ऐसे। इसके हिसाब से आपने, इस तरह से आपने ये पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। हम 2 पट्टियाँ इस तरफ लगाएंगे, जैसे 2 पट्टियाँ इस तरफ लगाई हैं, 2 पट्टियाँ इस तरफ लगाएंगे। जी, ये दोनों तरफ पैच लग गए हैं। पैच लगाने के लिए आप इनका फासला कैसा रखेंगे? निशान लगाने के लिए इसको सेंटर से आप तय लगाएंगे, फिर चौक की मदद से पैच लगाने के बाद आप इस तरह से इस तरफ चौक की मदद से निशान लगा लेंगे, ताकि दोनों पैच आपके इक्वल उतरें। ये देखें, बिल्कुल साइज इनका एक जैसा हो। अब हम इसकी बैक साइड अटैच कर रहे हैं साथ। कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी फ्रॉक का घेर है, जिसे हम अब चकोर चुनट डालकर, प्लेट डालकर अटैच करेंगे। इन प्लेट्स का रुख दूसरी तरफ होगा, इस तरह से।
ये देखें फ्रंट साइड पे हमारे प्लेट्स डल गए। अब हम बैक साइड भी इसके साथ पेटी के साथ जोड़ेंगे, उसमें भी इस तरह से प्लेट डालेंगे। अब ये हम चकोर थोड़ा चकोर पैच बनाया है, अब हम इन्हें प्लेट्स के ऊपर पेटी के ऊपर लगाएंगे। पट्टी को आधा प्लेट्स के ऊपर आधा पेटी के ऊपर रखते हुए लगाएंगे। स्लीव हैं फ्रंट से, हमने इनको कोन शेप दी है। ऐसे बाजू की दूसरी साइड पे हमारा पूरा बाजू बाजू का फ्रंट। गार्मेंट पे हमने लेस लगाई है और दरमियान में अब हम इसके स्लीव्स साथ अटैच करेंगे और हमारी फ्रॉक रेडी है। फाइनल लुक है, हमने लेस लगाई है, बाजू पे हमने ऐसे फूल बनाकर ऐसे डोरी लगाई है। ये इसका फाइनल लुक है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।